Welcome to the Maddox Prep Point. Don't forget to like and subscribe. And to get more such videos and material, you can contact us at this number mentioned over here, 0326559305. Today we'll have a look at some of the most important MCQs from the Physics MDCAT JSMU, and we'll discuss over here some of the very important, very simple and easy tricks to solve that MCQs in a few minimum time. So let's get started. Here we are with very first example. वो कहते हैं विच लॉ हैज़ अ ग्राफ सिमिलर टू दैट ऑफ ग्राफ ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस. ठीक है, उन्होंने कहा है कि ऐसा कौन सा लॉ, उन्होंने हमें चार लॉ दी हुई, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ, और यहाँ पे चौथा है हमारे पास हीट एक्सचेंज लॉ. उन्होंने कहा है इनके जो चारों के ग्राफ्स, इनमें से कौन सा ग्राफ है जिसका ग्राफ सिमिलर एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द ग्राफ ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस. इसके लिए पहले हमें पता होना चाहिए कि जो आइसोथर्मल प्रोसेस उसका ग्राफ कैसा होता है. तो उसका जो ग्राफ है ना, लाइक दैट समवट लुक्स लाइक दिस. ठीक हो गया, उसका ग्राफ इस तरह है. ठीक है, यहाँ पे पी वी का रिलेशनशिप होता है और ये क्या होता है, इक्वल टू द कांस्टेंट. तो जो बॉयल्स लॉ का ग्राफ है वो भी बिल्कुल ऐसे है. तो ये पहला वाला ऑप्शन तो हमारा हो गया करेक्ट, लेकिन हम बाकी ऑप्शंस को भी देखते हैं कि वो क्यों करेक्ट नहीं है. लाइक चार्ल्स लॉ में क्या होगा, वी और टी में रिलेशनशिप होगा, उनका ग्राफ कुछ इस तरह से होगा इन फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन. सही हो गया. उसके बाद अगर हम देखें कि एवोगैड्रो लॉ में, तो उसमें क्या होगा, उसका भी एक स्ट्रेट लाइन होगा और रिलेशनशिप होगा वी और एन में. और लेकिन जो हीट एक्सचेंज होगा ला, उसमें इनका कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं होगा पीवी का. नेक्स्ट उन्होंने हमें बताया हुआ है, लाइक पूछा है द रेशियो बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड रेडियस इक्वल्स टू. लीनियर वेलोसिटी होती है वी, रेडियस होता है आर. अब हमें ये बताना है कि ये मतलब ऐसा कौन सा फॉर्मूला है, वो बोला हमें रिलेशनशिप बताना है जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के इक्वल है, एंगुलर वेलोसिटी के इक्वल, एंगुलर एक्सेलरेशन के इक्वल है, या फिर एंगुलर मोमेंटम के. तो ये इनके आगे सिंबल्स मैंने बना दिए ताकि हमने इस तरह से ही इनको पहले अपने माइंड में लेके आना, ताकि हमें इजीली पता लग सके कि कौन सा रिलेशनशिप करेक्ट है. तो अगर हम इन सब चीज़ों को हम अपने माइंड में रखते हैं और इन्हें इंटर रिलेट करते हैं, तो हमें पता लगता है कि वी इजिक्वल टू आर ओमेगा में, अगर हम ओमेगा इजिक्वल टू वी बाई आर करेंगे तो क्या हो गया, जो एंगुलर वेलोसिटी इक्वल आ जाएगी हमारे पास टू द रेशियो ऑफ, ये जो डिवीजन का साइन होता है ना, ये क्या होता है, रेशियो होता है. दैट बिकम्स इक्वल टू द लीनियर वेलोसिटी रेशियो द रेडियस. तो इस तरह से क्या होगा, हमारा ये वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा. ठीक हो गया. तो अब हम यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट एग्जांपल. उन्होंने हमसे पूछा अमाउंट ऑफ एनर्जी हमने बतानी है कितनी रिक्वायर होगी. उन्होंने हमें दो चीज़ें दी हुई, एक तो उन्होंने हमें चार्ज दिया दैट इज इक्वल टू ई, और जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज टू वर्ड्स डिफरेंट ऑप्शन है. तो इसमें क्या होगा, ई इज इक्वल टू क्यू वी अगर हम फॉर्मूला लगाएंगे तो इसमें क्या होगा, लाइक चार्ज तो हमारे पास क्यू आ गया ई, और वो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, टू. तो ठीक हो गया, इसकी पहले तो ई वाली फॉर्म आ जाएगी, बाद में हमारे पास ई, लाइक इसकी जो वैल्यू वो हमें पता है फॉर वन चार्ज कितनी है, 1.6 × 10⁻¹⁹ को हम वहाँ पुट करेंगे सिंपली, और यहाँ पे क्या करेंगे हम, जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो टू वाट रहेगा करेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3.2 × 10⁻¹⁹ जाउल्स. इसको हम इस तरह से सॉल्व कर लेंगे. इसी चीज़ को अपने माइंड में रखते हुए हमने यहाँ पे जितने भी एनर्जी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द फ्रीक्वेंटली आस्क्ड एमसीक्यूज एंड लाइक, उनमें से जो हमें आते हैं एनर्जी रिलेटेड वो हमने अलग कर दिए यहाँ पे. ठीक है, तो यू कैन ऑल्सो फाइंड दिस ऑन द ऑल द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इन फॉर्म ऑफ लाइक पिक और वट एवर, यू कैन सेव एंड देन यू कैन मेमोराइज दैम, रिमेंबर दैम. ठीक है ना, और आप उसको अच्छे से याद कर सकते हैं. जब भी एनर्जी, मतलब एनर्जी तो बहुत तरह की पूछी जाती है, उन्होंने काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात होगी तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बताएं जी लगाएंगे, टोटल या मैकेनिकल होगी तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को ऐड अप कर देंगे. वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर पूछा होगा तो डिफरेंस ऑफ द काइनेटिक एनर्जी को हम करके वो बता देंगे क्या है, ये होगा हमारा टोटल एनर्जी. पावर को अपने माइंड में रखते हुए अगर एनर्जी के बारे में बताना तो हम ये वाले फॉर्मूलाज यूज़ करेंगे. ठीक हो गया. उसके बाद फिर है हमारे पास कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में हमें एनर्जी बतानी है तो ई इक्वल टू क्यू वी आएगा. एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर बतानी है तो ई इक्वल टू 1/2 CV² फार्मूला लगेगा. आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्वेशन के अकॉर्डिंग बताना तो दिस फार्मूला विल बी यूज. एनर्जी ऑफ द फोटोन अगर पूछी गई तो ये वाला फार्मूला लगेगा. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पूछी गई तो ये फार्मूला लगेगा टू फाइंड आउट द एनर्जी. और अगर एस एच एम में उन्होंने हमसे पूछ ली है एनर्जी, देन विल यूज दिस फार्मूला फॉर. ये जो है ना सारे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड एमसीक्यूज हैं उनमें यूज होने वाले एनर्जी के फार्मूलाज हैं. आपने बस इनको बहुत अच्छे से मेमोराइज कर लेना है. फिर क्वेश्चन आता है हमें कैसे पता कौन सा यूज़ करना, जो चीज़ उन्होंने पूछी है ना हम देख लेंगे वहाँ पे, हमें गिवन डाटा कौन सा, हमें फाइंड आउट क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला होगा वही वाला हम यूज़ करेंगे. यूज़ करते हुए हम लोग अपने एमसीक्यूज़ को बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हैं. सो दैट वॉज ऑल अबाउट टुडे. आई होप दैट यू पीपल फाइंड इट वेरी हेल्पफुल. थैंक यू सो मच.